हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। मेरा नाम है दर्शन जैन। मैंने अभी तक एसपी में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर दिए। आई होप आप सब लोगों ने उन लेक्चर्स को देखा है। इन केस आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आई बटन में उन लेक्चर का लिंक दे देता हूँ। ओके, आज हम एसपी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्म करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये पूरा चैप्टर उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको चैप्टर का एक बैकग्राउंड दे दूंगा, इन विच केस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के चैप्टर का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैं प्यार से मऊआ बुलाता हूँ, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन से क्लॉजेस होते हैं और उनको ऑल्टर कैसे करेंगे, ये समझेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस करके टॉपिक है, वो समझेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, गाइस मैंने अभी तक आपको कुछ समझाया नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैं प्यार से क्या बोलता हूँ, अव्वा। क्या बोलता हूँ? अव्वा। इसको बोलते हैं मऊआ और इसको बोलते हैं अव्वा, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम लोग सबसे पहले उसका मीनिंग समझेंगे, फिर उसका डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके कॉन्टेंट्स के बारे में, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या आता है वो जानेंगे। देन रेस्ट्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कंपनी, के आर्टिकल्स में क्या रेस्ट्रिक्शंस होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद एंट्रेंच आर्टिकल्स और ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। गाइज, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजेस। ओके, जैसे यहाँ पे भी हम ऑल्ट्रेशन पढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे भी हम ऑल्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं। ये है ऑल्ट्रेशन, यहाँ पे भी ऑल्ट्रेशन। ओके, इन विच केस यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट, इन विच केस ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एंड देन वी विल गो ऑन द लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर हम जाके उसका मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देखेंगे, प्रोस्पेक्टस के कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, कानूनी, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर पेनल्टीज देखेंगे, और मिस स्टेटमेंट करके एक टॉपिक है कि हमने प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा। ये सब मैंने आपको जो बताया है वो क्या है, इस चैप्टर का पूरा कॉन्टेंट, मतलब चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक देखेंगे, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझेंगे, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को समझेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दे दिया, जिससे आपको ये समझ जाएगा कि हम कहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर कहाँ पे एंड होगा, ठीक है। सो इन विच केस चैप्टर विल स्टार्ट एट इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक एंड इट विल एंड एट मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ओके, मैंने छोटा छोटा लिखा है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। ये क्या लिखा है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। इन विच केस नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे, प्रोस्पेक्टस, एंड लास्ट टॉपिक दैट इज डिस्टिंक्शन, वो अलग बात है। इन विच केस सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करना मतलब रजिस्टर करना। रजिस्टर हम कहाँ पे करते हैं, आरओसी के पास जाके। हम जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट इज रजिस्टर करते हैं आरओसी के पास जाके, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है। कभी देना पड़ता है जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाने जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ओके, एंड वो
क्या कर रही है, कैपिटल कलेक्ट कर रही है। मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वो शेयर्स इशू करके लोगों से पैसे जमा करती है, लाइक लोगों से पैसे लेती है, ठीक है, तो उसने कंपल्सरीली देखो यहाँ पर मस्ट लिखा है, मस्ट इशू क्या, प्रोस्पेक्टस। उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए। सर हमें पता नहीं प्रोस्पेक्टस होता क्या है, ओके डोंट वरी, हम इस चैप्टर के अंदर वही समझने वाले हैं। अभी के लिए आपको समझना है कि भाई हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखना है। देखो जब रजिस्ट्रेशन करती है कंपनी तब कौन सा डॉक्यूमेंट देती है, MOA और AOA। और सेकेंड क्या बोला गया है, जब कंपनी पब्लिक कंपनी जब शेयर्स इशू करके पैसा लेती है तब उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी है। सो नाउ यहाँ पे क्लियर कट क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखना। लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट दिस डॉक्यूमेंट इन दिस चैप्टर। मतलब इन डॉक्यूमेंट्स कौन से MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो अपना है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो उसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो बहुत सिंपल सी बात है, दर्शन जैन, दैट इज मी, मैं एक क्या हूँ, नेचुरल पर्सन। मैं क्या हूँ, एक नेचुरल पर्सन जिसके दो हाथ है, एक नाक है, दो आँख है, आई कैन स्पीक, ओके। तो दर्शन जैन कौन है, कैसा है, क्या करता है, इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बराबर है। बट कंपनी जो होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसे किसने क्रिएट किया है, लॉ ने क्रिएट किया है। सो वी बेसिकली कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी। सो अगर किसी को भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लाइक कंपनी में पैसे डालने हैं, ठीक है, पैसा कंपनी में डालना है, तो एटलीस्ट उसे कंपनी के बारे में पता तो होना चाहिए, ओके। इसीलिए अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, अगर देखो मैं किसी के पास से लोन मांगता हूँ तो उस पर्सन को मेरे बारे में पता है, बिकॉज आई एम अ नेचुरल पर्सन, बट कंपनी पैसे मांगती है, इन दैट केस वी शुड नो अबाउट द कंपनी, कि कंपनी क्या है, क्या करती है कि नहीं, बराबर है। सो इसीलिए कंपनी को एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, MOA जो है वो कंपनी का एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, मतलब मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसके अंदर लिखा होता है ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या पर्पस है, ओके। एंड दूसरा उसके अंदर, मतलब MOA के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के तो कंपनी बनेगी नहीं, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। एंड सेकेंडली उस MOA के अंदर लिखा होता है कंपनी का स्कोप क्या है, मतलब कंपनी क्या क्या एक्टिविटी कर सकती है, क्या क्या बिजनेस कर सकती है। सो बेसिकली MOA के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, MOA के अंदर लिखा होता है कि कंपनी क्या है, क्यों बनाई गई है, ओके, देन वो क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है। अगर MOA में कोई काम लिखा नहीं है तो वो काम कंपनी नहीं कर सकती है, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड, इन सिंपल वर्ड्स में बोलने जाऊँ ना तो MOA जो है वो कंपनी का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेशन बोलो, रूल्स बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, मतलब इन शॉर्ट कंपनी का बोलते ना फाउंडेशन, बेस है। MOA जो है वो कंपनी का बेस है, जिसके बेसिस पे कंपनी को क्या करना पड़ता है, हैज़ टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज़। MOA के आधार पे कंपनी को अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। MOA जो होता है वो कंपनी का रिलेशनशिप है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड द आउटसाइडर्स, कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में एक रिलेशन शेयर करता है, ओके। इन विच केस मूविंग ऑन टू द टॉपिक, वेट नाउ इन द टेक्स्ट बुक, देखो यहाँ पे जो मैंने बोला है वही लिखा है, इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइमरी का मतलब होता है मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इन विच केस क्या बोला गया, इट स्टेट्स इट्स पर्पस, उसमें कंपनी का पर्पस के बारे में, क्यों कंपनी बनाई गई है, ये लिखा रहता है, ठीक है। देखो कंपनी कभी अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी, इसीलिए डॉक्यूमेंट लगता है। और MOA के अंदर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में बोला गया रहता है कि कंपनी कितना स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ कंपनी कर सकती है। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है कि मेमोरेंडम जो होता है वो क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। मतलब मेमोरेंडम का मतलब क्या बोला गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ओरिजिनली फॉर्म्ड और ऑल्टर्ड, मतलब जैसा बनाया था या बनाने के बाद अगर कोई चेंजेस किया गया है तो उसे भी मेमोरेंडम मानेंगे। मतलब कंपनी ने मेमोरेंडम बनाया, थोड़े टाइम बाद उसमें चेंजेस लाए,
तो जो चेंजेस लाए हैं क्या उसको मेमोरेंडम मानना है या नहीं मानना है, उसे भी मेमोरेंडम ही मानेंगे, ठीक है। इन परसुएंट मतलब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जो मेमोरेंडम बनाया गया है इट शुड बी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ये वाला या कंपनी लॉ पुराना वाला कोई भी हो जो मेमोरेंडम कंपनी ने बनाया है या ऑल्टर किया है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट, चाहे वो कोई भी कंपनीज एक्ट हो, 2013 वाली कंपनीज एक्ट हो या उससे पुराने वाली कंपनी एक्ट हो, हम सबको मेमोरेंडम ही मानेंगे। तो ऊपर जो डेफिनेशन हमने पढ़ा उसके आधार पे क्या बोला है कि मेमोरेंडम जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। वो क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज़ वैलिड इन द आई ऑफ लॉ। और हर कंपनी को मेमोरेंडम बनाने की आवश्यकता है, हर कंपनी को मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, ओके। इन विच केस मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फीचर्स क्या है। इट्स अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट है जो उसका ऑब्जेक्टिव एंड एम बताता है, किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, ओके, और उसका एम क्या है, कहाँ पहुँचना है कंपनी को, ठीक है। इन विच केस मेमोरेंडम जो है वो क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स, मतलब वो दर्शाता है और रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। कंपनी एंड द आउटसाइडर्स में कौन कौन आता है? आउटसाइडर्स के अंदर बोला गया है कि शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिसने कंपनी को उधार दिया है, सप्लायर्स मतलब जिसने कंपनी को मटेरियल दिया है, और इन्वेस्टर मतलब क्या, जिसने कंपनी को लोन दिया है, ठीक है। तो वो लोगों को मेमोरेंडम से दे कैन मेक आउट फ्रॉम द मेमोरेंडम, मतलब उनको मेमोरेंडम से समझ जाएगा कि कंपनी ये पर्टिकुलर काम कर सकती है या नहीं, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी बिस्किट्स जो है बेचती है, मतलब इट इज़ अ ट्रेडर, ठीक है, इट इज़ अ ट्रेडर ऑफ द बिजनेस, ट्रेडर ऑफ द बिस्किट। तो वहाँ पे कहीं पे भी मेमोरेंडम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कंपनी बिस्किट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर अचानक से कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मेमोरेंडम में नहीं लिखा कि वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। कंपनी को अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा और मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा कि हमारा अभी से ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स, ठीक है। सो मतलब जैसा अभी क्या होगा, मेमोरेंडम को पढ़ के ही क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर, सप्लायर को आइडिया आएगा कि ये कंपनी जो काम कर रही है क्या ये काम करना कंपनी को अलाउड है या नहीं। मेमोरेंडम पढ़ के समझ जाएगा कि जो एक्टिविटी कंपनी कर रही है वो अलाउड है या नहीं, ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम में वो लोग लिखते हैं, कंपनी लिखती है कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं। इन विच केस एवरी कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हर कंपनी को बनाना पड़ेगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, एंड उसको एक कॉपी ROC को देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो मेमोरेंडम कौन बनाएगा? प्रमोटर बनाएगा। कौन बनाएगा? प्रमोटर। और साइन करना पड़ता है, मेमोरेंडम को साइन करना पड़ता है। कौन साइन करेगा? देखो, पब्लिक कंपनी के केस में 7 लोग, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग, और OPC 1% कंपनी के केस में 1%, ठीक है, इन्होंने साइन करना चाहिए। इन विच केस हर सब्सक्राइबर, एवरी सब्सक्राइबर, आप ध्यान से जरा स्क्रीन पे देखना, एवरी सब्सक्राइबर मस्ट राइट अगेंस्ट हिज नेम, एवरी सब्सक्राइबर मस्ट राइट अगेंस्ट हिज नेम, क्या लिखना है? द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज अग्रीड टू टेक, जितने भी शेयर्स उन्होंने बोला है, जो भी सब्सक्राइबर होते हैं MOA के, एक उनको प्रॉमिस करना पड़ता है कि हम इतने शेयर्स लेंगे, तो उनका नाम के आगे उनको लिखना पड़ेगा कि हम इतने शेयर्स कंपनी के लेने वाले हैं, एंड एक विटनेस के सामने वो बोलना पड़ेगा और उस विटनेस के डिटेल्स भी देने पड़ेंगे, और मिनिमम एक शेयर तो लेना ही है, वन शेयर तो लेना ही है। लेकिन ये जो पॉइंट है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनी विद गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, मतलब एक ऐसी कंपनी जो गारंटी कंपनी है और उसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब वो शेयर्स बेच के पैसा नहीं बिजनेस करने वाली, शेयर्स बेच के बिजनेस नहीं करने वाली, सिर्फ गारंटी कंपनी है, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो भाई शेयर्स ही नहीं बेचने वाले, तो सब्सक्राइबर कैसे शेयर्स लेगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया कि इट कंटेंस फॉलोइंग क्लॉजेस, इट कंटेंस फॉलोइंग क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब होता है पॉइंट्स, पैराग्राफ, ठीक है। MOA के अंदर अलग अलग पैराग्राफ होगी। सर, पैराग्राफ किस बारे में? पैराग्राफ रहेगा नेम के बारे में, नेम क्लॉज के बारे में। एड्रेस, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, फिर कैपिटल कितना है कंपनी का, फिर एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज।
जहाँ मैंने आपको अभी अभी ये बताया था कि हर सब्सक्राइबर को, हर सब्सक्राइब जो भी साइन करेगा, MOA को जो भी साइन करेगा, उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कितने शेयर्स वो लेने वाला है कि नहीं। तो वही पॉइंट जो है वो सब्सक्रिप्शन क्लॉज के रिलेटेड है। ये हम लोग आगे जब सब्सक्रिप्शन क्लॉज पढ़ेंगे तब आपको समझेगा बेटर वे में। सो हम लोगों ने 5 पॉइंट किए अभी तक। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था गाइस, कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या बोल रहा था, कि इट डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड द आउटसाइडर। कंपनी और आउटसाइडर के बीच में जो रिलेशन है वो दर्शाता है और उसको कंट्रोल करता है। फिर हर कंपनी को MOA बनाना पड़ता है और इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ROC को सबमिट करना पड़ता है। और इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स। बनाता कौन है MOA? प्रमोटर बनाता है। साइन करना पड़ेगा। साइन के लिए क्या बोला गया है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग एंड 1% में 1%। और साथ में उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। एक मिनिमम एक शेयर तो लेना पड़ेगा। फिर क्लॉजेस वाली पॉइंट हमने देखी थी कि भाई कितने क्लॉज होते हैं। 6 क्लॉज है, याद रखना 6। पहला कौन सा है, नेम। फिर कौन सा है, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, देन कैपिटल एंड एसोसिएशन क्लॉज। फिर MOA से क्या मालूम पड़ता है, MOA से कंपनी का नेचर, उसका कैरेक्टर समझता है कि कंपनी का स्वभाव और उसका उसकी नीयत कैसी है। और MOA को ऑल्टर करना इतना आसान नहीं है। ऑल्टर करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। रिपीटिंग माय वर्ड्स, MOA से कंपनी का नेचर एंड उसका कैरेक्टर समझता है एंड उसको ऑल्टर करना इतना आसान नहीं है। हमें कंपनी लॉ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करना पड़ेगा इन केस वी हैव टू, अगर ऑल्टर करना है MOA को। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। मूविंग फॉरवर्ड, अगर कंपनी ऐसा कोई भी एक्ट या कोई भी एक्टिविटी करती है जो MOA में नहीं लिखी है, MOA में नहीं लिखी है और कंपनी वो काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस। क्या बोलेंगे उसको, अल्ट्रा वायरस। और ऐसा काम को हम लोग इनवैलिड मानेंगे, उस काम को हम लोग इनवैलिड मानेंगे। मतलब कंपनी अपने MOA के दायरे के बाहर जाके काम कर रही है, ठीक है, उसे हम क्या मानेंगे, इनवैलिड। MOA जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ओके। और ये माना जाता है कि जो भी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, मतलब कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो हम ये मानते हैं कि उसने कंपनी का MOA पढ़ा है। हम ये मान के चलेंगे कि उसने कंपनी का MOA बरोबर से पढ़ा है एंड उसे पता है कि भाई कंपनी कौन सी एक्टिविटी कर सकती है और कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकती है। ये मान के चलना पड़ेगा कि उसे नॉलेज है कंपनी के MOA का। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, कंपनीज एक्ट ने MOA बनाने के लिए एक इजी तरीका दिया है। उन्होंने कुछ फॉर्मेट दे के रखे हैं, टेबल ABCDE, 5 टेबल ऑलरेडी बना के दे दिए हैं। उनमें से आपको कट पेस्ट करना है, मतलब इन केस आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर MOA बनाते कैसे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी MOA बनाने का ढांचा दे के रखा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे के रखा है। आपकी कौन सी कंपनी है उसके अकॉर्डिंगली आप वो फॉर्मेट उठाइए एंड आपका MOA बना दीजिए, ठीक है। ये था फीचर्स ऑफ द MOA। नाउ मूविंग टू द क्लॉजेस, हम क्या स्टार्ट करेंगे, अभी क्लॉजेस पढ़ेंगे। कितने क्लॉज है वापस से एक बार देख लेते हैं, 6 क्लॉज है। क्लॉज नंबर 1 नेम क्लॉज, सेकंड कौन सा क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला एड्रेस वाला क्लॉज है, तीसरा है ऑब्जेक्ट, देन लायबिलिटी एंड देन कैपिटल क्लॉज एंड उसके बाद एसोसिएशन क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज नेम क्लॉज, हम लोग कौन सा देख रहे हैं, नेम क्लॉज। शांति से समझना, बहुत आसानी से समझना। नेम क्लॉज क्या करेगा, नेम क्लॉज कंपनी के नेम के बारे में बताता है, कंपनी का नाम के बारे में बताएगा। कंपनी जो है वो एक लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है, कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स एंड उसमें काम करने वाले लोग सब अलग होते हैं। तो जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी खुद की पहचान होनी चाहिए, इसीलिए कंपनी का नाम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके एक सेपरेट आइडेंटिटी के बारे में उससे हमें पता चलता है। जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, कंपनी का नाम चूज़ करता है। हु चूजेज़ द नेम ऑफ द कंपनी, प्रमोटर। प्रमोटर ही MOA बनाता है, प्रमोटर ही कंपनी का नाम रखेगा। अब जब नाम बनाता है तो उसे फॉलोइंग पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए। जब भी कंपनी का नाम बना रखते हैं अपन, कुछ भी नाम हम लोग कंपनी का रखने वाले, तो हमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो जो नाम है वो आइडेंटिकल ना हो, मतलब सेम नाम नहीं होना चाहिए, या फिर वो सिमिलर भी नहीं होगा, इट शुड नॉट रिसेम्बल, मतलब हमें सेम नाम या फिर सिमिलर नाम नहीं चलेगा, ओके सर। सेम और सिमिलर नाम मतलब अगर कोई ऑलरेडी एक कंपनी है, ओके, रिलायंस इंडस्ट्री, अब मैं वापस से रिलायंस नाम की कंपनी नहीं खोल सकता, समझ रहे हैं आपको। सो इन विच केस, पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है एंड वो रजिस्टर्ड है कंपनी लॉ के अंदर,
ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो वही नाम की कंपनी हम लोग खोल सकते नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, जो नेम शो नेम है ना, नेम जो नाम है ना कंपनी का, उसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए जिससे ऑफेंस यानी गुनाह हो कोई भी कानून के अंदर। मतलब कोई भी कानून इंडिया में, कोई भी कानून हो उसके तहत में अगर हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो गुना, मतलब जो ऑफेंस साबित होता है कि भाई ये वर्ड गलत है, तो ऐसा नाम हम, ऐसा कोई वर्ड हम लोग अपना हमारे कंपनी के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेम और वर्ड्स इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब अपने कंट्री में बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, गुजराती, मारवाड़ी एक्सेट्रा, जो भी आपको लेना है। हम कंपनी का नाम ऐसा नहीं रख सकते जिससे कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉब्लम हो, ऑफेंड मतलब उनको नाराज़गी हो, ठीक है। द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट। एक कानून है जिसका नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट, ठीक है। हम ऐसा नाम नहीं रख सकते जो वायलेट यानी तोड़ना, ओके, वायलेट द प्रोविजन यानी रूल, वायलेट यानी तोड़ना और रूल। वी कैन नॉट नेम अ कंपनी जो क्या कर रहा है, एम्बलम्स एंड नेम एक्ट का जो रूल है उसे तोड़ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड क्या बोला गया है कि जो नाम है इट शुड नॉट रिसेम्बल टू एनी वन ट्रेडमार्क। अब किसी कंपनी का सिंबल है उस सिंबल को लेके हम लोग नाम नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, समझ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड क्या बोला गया है कि नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड और इम्प्रेशन, ठीक है, इट शुड नॉट हैव एनी वर्ड जो हमें ऐसा इम्प्रेशन दे रहा है कि ये जो कंपनी है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, मतलब हमारे नाम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का क्या लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, 1% कंपनी अगर होती है तो 1% कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड एंड 1% दोनों होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वॉट अबाउट द नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में एक और पॉइंट जो लास्ट बोला गया कि हर कंपनी को अपने अपने प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जहाँ भी कंपनी का एक दुकान है या स्टोर है, ठीक है, उन्होंने अपने दुकान के बाहर दे शुड पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस। मतलब हर प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे, वैसे सपोज नाइकी का शोरूम है तो नाइकी के शोरूम के बाहर उनका नाम पेंटेड और उनका एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो ये था नेम क्लॉज। सर अगर नेम चेंज करना हो तो ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट्रेशन। जैसे हम लोग, हमारी पैंट जब लंबी होती है तो पैंट को कटिंग करवाते हैं नीचे से, तो उसे हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं, राइट? तो वैसे ही ऑल्ट्रेशन करेंगे नेम क्लॉज के अंदर। सर नेम क्लॉज को चेंज क्यों करना है? कंपनी की मर्जी हो, खुद से करेगी। मतलब कंपनी का मन हो गया नाम चेंज करना है बाबा, तो नाम चेंज करेंगे। फिर कंपनी अगर पब्लिक से प्राइवेट जा रही है, कंपनी अगर पब्लिक से प्राइवेट बन रही है या प्राइवेट से पब्लिक बन रही है तो नाम तो चेंज करना पड़ेगा, ओके? या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन ऐसा आ रहा है कि जो कंपनी का नाम है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर है या फिर उन्होंने कोई सिमिलर ट्रेडमार्क वाली कंपनी को देखा हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि नाम चेंज करना पड़ेगा। देखो, नाम चेंज करने के लिए 3 केस बोले गए, कंपनी का खुद का मन हो गया, या फिर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपका नाम तो भाई सिमिलर लग रहा है मुझे, तो आपको नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और नाम चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर पास करना पड़ेगा। यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन को समझने के लिए आपको पहले मैं समझाता हूँ कुछ चीज़ें। देखो, मीटिंग जो होती है कंपनी में जो डिसीजन लेते हैं वो मीटिंग के द्वारा लेते हैं। मतलब कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना रहेगा तो मीटिंग रखनी पड़ेगी। अब जब मीटिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहली होती है बोर्ड मीटिंग, दूसरी होती है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जो होती है वो डायरेक्टर्स की होती है। किसकी होती है? डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ डायरेक्टर लोग आते हैं। और जनरल मीटिंग जो होती है वो शेयर होल्डर की होती है। और ये हम लोग क्यों मीटिंग क्यों लेते हैं? डिसीजन लेने के लिए। तो आपको एक चीज़ समझ गया। अब आपने अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो वहाँ पर क्लियर कट लिखा था कि जनरल मीटिंग मतलब किसकी मीटिंग? शेयर होल्डर की मीटिंग। कौन किसकी मीटिंग? शेयर होल्डर की मीटिंग, ठीक है।
शेयर होल्डर की मीटिंग जो है जनरल मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन। अब देखो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रपोजल, प्रस्ताव। जैसे अगर आपको घूमने जाना है तो आप घर पे पहले प्रपोजल रखते हो कि मम्मी डैडी मुझे लोनावाला घूमने जाना है या मुझे ऊटी घूमने जाना है, तो आपने घर पे प्रस्ताव रखा। अब जब वो प्रस्ताव अप्रूव होता है, जो प्रस्ताव आपने रखा है, जो प्रपोजल आपने घर पे रखा है वो अप्रूव होता है, तो उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। इन विच केस रेजोल्यूशन जो होता है वो बोर्ड मीटिंग में भी लगता है और जनरल मीटिंग में भी होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन जो होता है वो बोर्ड मीटिंग, देखो बोर्ड मीटिंग में भी प्रस्ताव रखते हैं, कौन रखेगा? डायरेक्टर रखेगा। और जनरल मीटिंग में प्रस्ताव कौन रखता है? शेयर होल्डर रखते हैं। अब जब बोर्ड मीटिंग में जो प्रस्ताव होता है उसे हम बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन। जब अप्रूव होगा तो उसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहेंगे। जनरल मीटिंग में दो तरीके के अप्रूवल होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी जो होता है उसमें क्या होता है, मोर देन 50% का अप्रूवल चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर मोर देन 75% का अप्रूवल चाहिए। अगर 100 लोग हैं तो हमें 76 लोगों का अप्रूवल चाहिए, समझ रहे हैं? अभी मीटिंग में अगर 200 लोग आते हैं, और मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मीटिंग में अगर 200 लोग आते हैं और 200 लोग में से ऑर्डिनरी के लिए हमें कितना चाहिए? 50% से ज़्यादा। तो देखो 200 लोग हैं, 50% मतलब 100, तो हमें 101 लोगों का अप्रूवल चाहिए, फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर मीटिंग में 200 लोग आते हैं, और हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है तो 75% लगेगा, तो 75% कितना होता है? 150 तो हमें 151 लोगों का अप्रूवल चाहिए, हमें 151 लोगों का अप्रूवल चाहिए। तो इन शॉर्ट स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो अगर हम लोग को नेम क्लॉज ऑल्टर करना है, चेंज करना है, हमें कंपनी का नाम बदलना है, तो हमें जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग रखनी पड़ेगी, और वहाँ पे जितने लोग आएंगे मीटिंग में, ठीक है, उसका 75% हम निकालेंगे, 75% हम निकालेंगे, जितने भी लोग आएंगे उसका 75% निकालेंगे। और उससे ज़्यादा मतलब 75%, अगर सपोज 200 लोग मीटिंग में आते हैं और 75% हम निकालते हैं तो 150, तो हमें 150 नहीं चलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चाहिए ना, 75% से ज़्यादा, तो 151 लोगों का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो SR, उसे बोलते हैं SR, स्पेशल रेजोल्यूशन, समझ रहे आपको? ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज एड्रेस क्लॉज। एड्रेस क्लॉज क्या बोलता है कि भाई ये क्लॉज के अंदर कंपनी लिखती है कि कंपनी कौन से स्टेट में ऑपरेट करती है, मतलब कंपनी का कौन से स्टेट में हेड ऑफिस है, ठीक है। हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 30 डेज अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स करना होता है, ROC को बताना होता है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों ज़रूरी है, मतलब वाई इज दिस रजिस्टर्ड ऑफिस नेसेसरी? रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होता है, देखो कोई भी कंपनी होती है उसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, लेकिन मेन ब्रांच कौन सा है ये जानने के लिए हमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देखना पड़ता है। रजिस्टर्ड ऑफिस से क्या मालूम पड़ता है? कंपनी का लोकेशन मालूम पड़ता है, कंपनी का लोकेशन मालूम पड़ेगा। इन विच केस हम ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो होती है वो ऑफिस होती है जहाँ पे सारी नोटिस, सारा कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हमें मालूम पड़े कि कंपनी ने अपनी जो मेन बुक्स है, लीगल बुक्स, स्टैट्यूटरी बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं। स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब एनुअल रिटर्न बोलो आप लोग, MOA कहाँ पे पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इन विच केस लास्ट पॉइंट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस क्लॉज से हमें मालूम पड़ता है कि अगर हमें कंपनी के खिलाफ केस करना है, अगर हमें कंपनी के खिलाफ हमें कोर्ट में जाना है, तो हमें कौन से स्टेट के कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर सपोज रिलायंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है या टाटा का हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो आप दिल्ली में केस नहीं फाइल कर सकते, आपको मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस लोकेटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, वहाँ पे आपको वहाँ की कोर्ट में जाके आपको केस फाइल करना पड़ेगा। अब सर एड्रेस क्लॉज कैसा? सर एड्रेस क्लॉज जो है ना, सबसे हाईएस्ट चेंजिंग वाला जो ऑल्ट्रेशन है ना, यहाँ पे होता है, क्योंकि एड्रेस कभी भी कंपनी का चेंज हो सकता है, जहाँ सस्ते में जगह मिल रही है वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उस कंपनी को, वहाँ आज कंपनी शिफ्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो, अगर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना है, ओके, हेडक्वार्टर का एड्रेस चेंज करना है, लेकिन वो जो चेंज है, पहला पॉइंट ध्यान से देखना, जो चेंज है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, लेकिन सेम टाउन सेम सिटी के अंदर, मतलब कंपनी इज चेंजिंग इट्स एड्रेस बट इन द सेम टाउन और इन द सेम सिटी, ठीक है। तो इन दैट केस कंपनी को कोई भी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कंपनी को फ्रीली अलाउड किया गया है कि आप सेम सिटी सेम टाउन में कभी भी शिफ्ट हो चलेगा। लेकिन अगर कंपनी को एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना है या दूसरे सिटी में जाना है,
ओके एक सिटी से दूसरे सिटी में या फिर एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना है, इन दैट केस कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा. क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा. एक टाउन से दूसरे सिटी में जाना है या एक सिटी से दूसरे टाउन में जाना है, लेकिन सेम स्टेट सेम रहेगा, फिर भी कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा. ओके कंपनी अगर सेम सिटी या सेम टाउन में ही शिफ्ट हो रही है तो दिक्कत नहीं है. ओके अगर कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, कंपनी अगर एक स्टेट से लाइक मुंबई से महाराष्ट्र से अगर वो कंपनी जा रही है गुजरात, तो इन दैट केस कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा ही, प्लस रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे क्या लिखा गया, नेक्स्ट क्लॉज कौन सा है अपना? ऑब्जेक्ट क्लॉज है. नेक्स्ट क्लॉज कौन सा है? ऑब्जेक्ट क्लॉज. सो ये अपना वी हैव स्टडीड ऑल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज अपने देख लिया कि अगर कंपनी को विद इन सेम टाउन सेम सिटी होना है, कुछ भी करना है, कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं है. लेकिन ओके एक टाउन से दूसरे सिटी में जाना है तो दिक्कत है. ठीक है सेम सिटी और सेम टाउन के अंदर तुम कहीं पे भी चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर एक टाउन से दूसरे टाउन में जाओगे तो आपको एसआर लगेगा. अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको एसआर प्लस रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा. रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा. इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज. कौन सा क्लॉज है? ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोलता है? इट डिफाइंस अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द किस किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है. ठीक है ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटी कंपनी कैन अंडरटेक. कंपनी क्या क्या काम अपने हाथ में ले सकती है. और ये क्लॉज के अंदर दो चीज़ें लिखी होती है. मेन ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी का मेन काम क्या है. ठीक है कंपनी का मेन काम क्या है वो लिखेंगे वो लोग. फॉर एग्जाम्पल कंपनी का मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स. ठीक है तो वो लिखा उन्होंने मेन क्लॉज के अंदर. लेकिन अब बिस्किट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लोगों को तो एम्प्लॉय करना पड़ेगा, काम पे रखना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी भाड़े पे. ठीक है मशीन्स खरीदने पड़ेंगे. तो कल उठ के कोई बोलेगा कि अरे यार ये सब तो आपने लिखा नहीं था मेमोरेंडम में, आपने लोगों को जॉब पे रखना या फिर असेट्स खरीदना या फिर जगह रेंट पे लेना. अगर कंपनी के नाम पे जगह रेंट पे ले रहा हो तो वो लोग बोलेंगे ये तो मेमोरेंडम में लिखा नहीं था, आपने तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बोली थी. तो यहाँ पे एक बात आप क्लियरली समझो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर दो चीज़ें लिखी होती है, एक तो मेन ऑब्जेक्ट एंड दूसरा उस मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए दूसरा जो भी काम दूसरा जो भी चीज़ें लगेगी ज़रूरत में वो भी काम कंपनी हाथ में ले सकती है. ठीक है इन विच केस क्या बोला गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल. कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मत जाओ. या इट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनी लॉ. कॉन्ट्रावेंशन मतलब कंपनी लॉ को तोड़ने का नहीं, कोई भी कानून इंडिया का, कंपनी लॉ बोलो या कोई भी कानून इंडिया का तोड़ना नहीं चाहिए. आपका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होना चाहिए इट शुड बी लीगल. इट शुड नॉट बी अगेंस्ट एनी लॉ इन द कंट्री. ओके मूविंग फॉरवर्ड कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी कभी भी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती है. ठीक है कंपनी वो सब काम कर सकती है जो इंसिडेंटल है एंड कॉन्सिक्वेंशियल है. इंसिडेंटल मतलब क्या? रिलेटेड. आपका मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी काम है, मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी काम है आप कर सकते हो. या फिर क्या बोला गया है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट को करने के लिए मेन ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए जो भी काम है वो आप कर सकते हो. दैट इज़ कॉन्सिक्वेंशियल. ठीक है मतलब मेन ऑब्जेक्ट आपका था भाई बिस्किट मैन्युफैक्चर करना. आपने उसको बिस्किट बना के बेचा. ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई, आप उसको पैकिंग करके बेच रहे हो. पैकिंग करना तो नहीं लिखा था. अरे बाबा मैन्युफैक्चर किया, अब मैन्युफैक्चर करके खुद के पास थोड़ी रखेंगे. अब मैं फॉर एग्जांपल सेलिंग ऑफ बिस्किट, आपने तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लिखी थी, आपने आप बिस्किट बेच क्यों रहे हो? कल उठ के आप ऐसे बोलोगे तो बाबा अगर बिस्किट को मैन्युफैक्चर किया तो बेचेंगे तो सही ना. तो इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी. सो अगर कोई भी काम कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके करती है, ऑब्जेक्ट के दायरे के बाहर जाके करती है, उसे हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस. क्या कहेंगे उसे? अल्ट्रा वायरस कहेंगे. अभी अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड. अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड. एंड वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब क्या होता है? पावर. मतलब बियॉन्ड द पावर. मतलब अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ MOA. अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम. ठीक है अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये डॉक्ट्रिन है. डॉक्ट्रिन का मतलब होता है थियरी. थियरी ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या बोलती है कि भाई कोई भी एक्टिविटी अगर कंपनी करती है बियॉन्ड द पावर ऑफ द MOA के बाहर जाके कंपनी कोई भी काम करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? नल एंड वॉइड.
उसे हम क्या कहेंगे, नल एंड वॉइड, मतलब वो काम इलीगल माना जाएगा, नल एंड वॉइड उसे इलीगल माना जाएगा, ठीक है। अब भले ही सारे मेंबर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ये काम सही था, फिर भी इसे हम लोग क्या मानेंगे, नल एंड वॉइड, मतलब ये काम इनवैलिड है, सही नहीं है। अब कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा गया, कोई भी काम नहीं कर सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा गया। अब अल्ट्रा वायरस होने से क्या होता है, अगर सपोज कंपनी ने कोई काम किया है एंड वो बियॉन्ड द पावर ऑफ MOA, MOA के बाहर जाके किया है, सो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो भी उन्होंने काम किया है वो सब काम को हम क्या मानेंगे, नल एंड वॉइड, मतलब वो काम फालतू में गए, वेस्ट है। अब कंपनी या कोई भी पर्सन, मतलब कंपनी किसी पर्सन के खिलाफ केस नहीं कर सकती है या कोई और पर्सन कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर सकता है इन दैट केस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, मेंबर्स जो है, मेंबर्स वो लोग क्या करेंगे, वो लोग के पास एक ऑप्शन है, दे विल गो टू द कोर्ट और वो लोग वहाँ से स्टे ऑर्डर लाएंगे कि भाई ये जो कंपनी काम कर रही है इसको रुकवाओ, ये कंपनी के दायरे में नहीं है। कंपनी मेंबर्स जो है दे कैन गेट एन इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब क्या बोला गया है, ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू स्टॉप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है यहाँ पे कि अगर सर कंपनी अल्ट्रा वायरस वाला काम करती है, सपोज कंपनी ने ऐसा कोई काम किया जो कंपनी के दायरे MOA के अंदर नहीं था, अब इसके वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे को नुकसान, अभी दूसरा पर्सन कंपनी के खिलाफ केस करने गया, क्या केस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो सर ऐसे केस में रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा। अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायरस वाला काम किया है तो जो थर्ड पर्सन है, मतलब जिसने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला था कि हम सिर्फ बिस्किट्स बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बोला था, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी के पास से मटेरियल तो लिया रहेगा, रॉ मटेरियल तो लिया रहेगा। अब वो पर्सन जब पैसे मांगने आता है, कंपनी बोलती है कि भाई ये तो हमारे दायरे में काम था ही नहीं, हम पैसे नहीं देंगे, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड है, वैलिड नहीं है, तो ये जो थर्ड पर्सन है जिसने मटेरियल दिया था, वो इन दिस केस क्या करेगा, वो डायरेक्टर्स को पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, डायरेक्टर्स को पकड़ेगा। कैन यू सी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्यों बनाई गई, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बनाने का एक ही कारण था कि जो स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है, उनका जो एडवांटेज है, ओके, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सब स्टेक होल्डर में सब आते हैं, ओके। स्टेक होल्डर्स के पास ये अधिकार है ये जानने का कि भाई हमने जो कंपनी को पैसा दिया है, हमने जो कंपनी को पैसा दिया है, क्या कंपनी उसे अपने MOA में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है उसी लिए यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है। अभी हमें अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर ऑल्टर करना है, कंपनी को अगर जब भी मन करे वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर सकती हैं, ठीक है, तो सर क्यों ऑल्टर करेगी, ताकि उसको बिजनेस ग्रो करना है अपना। पहले सपोज रिलायंस जो मुकेश अंबानी है वो पहले टेलीकम्युनिकेशन में नहीं था, लेकिन अभी जियो लाया, तो अब जियो लाने से वो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होगा, है कि नहीं, अब वो टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में भी आ जाएगा, है कि नहीं, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपना ग्रोथ, उसको ग्रो करना है। इन दैट केस अगर कंपनी को अगर अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर ऑब्जेक्ट कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर ऑल्टर करना है, चेंज करना है, तो इट हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। गाइस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मतलब मोर देन 75% का अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज क्या है, लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स है कंपनी के, उनकी लायबिलिटी कितनी है, उनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, ये हमने उन्हें ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो इन दैट केस उनकी लायबिलिटी, उनके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, ठीक है, टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। क्लियर है कि नहीं, मतलब कंपनी, इसका मैं आपको मस्त एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। देखो लायबिलिटी क्लॉज क्या बोला गया है, अमाउंट अनपेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब कंपनी के अगर सपोज मैंने 1000 शेयर बाई किए हैं और उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, ओके, एंड मैंने कितना पे किया है, 7 रुपया पे किया है, कितना पे किया है, 7 रुपया पे किया है। 1000 शेयर था मैंने लिया जिसका फेस वैल्यू 10 था, मैंने पे कितना किया, सिर्फ 7 रुपया, तो मेरा अनपेड कितना है, मेरा अनपेड कितना है, 10 रुपये का था, 7 पे किया तो 3 रुपये क्या हो गया, अनपेड, तो 1000 × 3, 3000 जो है वो मेरा अनपेड अमाउंट है, मैंने अब तक पे नहीं किया कंपनी को, तो ये मेरी लायबिलिटी है। कल उठ के कंपनी में कुछ भी होता है तो मैं सिर्फ 3000 रुपये दूंगा, जितना मतलब मेरा पैसा देना बाकी था कंपनी को, वही मेरी लायबिलिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। अगर कोई गारंटी कंपनी है, तो इन दैट केस उनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, गारंटी जो अमाउंट उन्होंने दिया गया है उतनी उनकी गारंटी रहेगी, ठीक है।
सो सर, अगर हमें अगर ये लायबिलिटी का जो क्लॉज है अगर अमेंड करना है, लायबिलिटी का जो क्लॉज है अगर हमें अमेंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कंपनीज एक्ट में कुछ भी नहीं बोला गया है। अगर आपको लायबिलिटी का क्लॉज अमेंड करना है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ बोली गई नहीं है कंपनीज लॉ के अंदर लायबिलिटी क्लॉज को अमेंड करने के लिए, अमेंड मतलब ऑल्टर करने के लिए, सॉरी ऑल्टर करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ बोली गई नहीं है। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस आपको जितने भी मेंबर्स हैं उनका कंसेंट, उनका परमिशन लेके आप लायबिलिटी क्लॉज को अमेंड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कैपिटल क्लॉज की ओर। कैपिटल क्लॉज की ओर मतलब क्या कि कैपिटल क्लॉज क्या बताता है? कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज होता है वो क्या बताता है कि कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो कंपनी कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई है। इसका मतलब मैं आपको सिंपल से बताऊं कि कंपनी जो बिजनेस करेगी वो लोगों से पैसा लेके करेगी, राइट? तो कंपनी ने कितना अमाउंट रेस करना, मतलब मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कितना रेस करेगी लोगों के पास से, उसे बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। इसे बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ध्यान से सुनना, मैक्सिमम अमाउंट एक कंपनी लोगों से कितना लेने वाली है अपने लाइफ टाइम में, उसे बोलते हैं कैपिटल क्लॉज के अंदर रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर ऑथराइज कैपिटल। उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर ऑथराइज कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेज, ठीक है। अभी कंपनी कंपनी अगर शेयर, एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है, ओके, तो उस कंपनी को, मतलब ऐसी कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल, गारंटी नहीं अनलिमिटेड भी नहीं, जिसका शेयर कैपिटल है। अब ऐसी कंपनी के किस में क्या बोला गया है कि उसे टोटल शेयर कैपिटल तो लिखना ही है, लेकिन उसे ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई कौन से टाइप के शेयर इशू किए हैं, ओके, उनका टोटल नंबर ऑफ शेयर कौन सा है, उनका फेस वैल्यू क्या है, ओके। अगर कंपनी को अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है, मतलब सपोज कंपनी ने अपना ऑथराइज कैपिटल रखा था 10 लाख का, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी को लग रहा है नहीं मुझे और पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट जो कंपनी शेयर्स बेच के रेस कर सकती है, ओके, जमा कर सकती है, ठीक है। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं मुझे तो अभी और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल चेंज करेगी, मतलब कैपिटल क्लॉज को अमेंड करना है। तो कैपिटल क्लॉज को अगर अमेंड करना है कंपनी को, तो इन दैट केस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, एमओए के अंदर हूँ मैं अभी, एमओए के अंदर कैपिटल क्लॉज को मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर रहा हूँ। तो इन दैट केस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, और कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। गाइस ध्यान से सुनना, कैपिटल क्लॉज को अगर कंपनी को ऑल्टर करना है तो कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। दैट इज 50% से ज़्यादा। अभी तक हम लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन देखा था नेम क्लॉज के अंदर, एड्रेस क्लॉज के अंदर, देन उसके बाद कौन सा था, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, ठीक है। लायबिलिटी के अंदर तो कुछ था नहीं, लेकिन कैपिटल के अंदर क्या बोला गया है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ऑल्टर करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे क्लॉज है जहाँ पे हम लोग कसम दिलवा रहे हैं किसको, सब्सक्राइबर को। जो जो लोग एमओए को सब्सक्राइब करेंगे साइन करना पड़ेगा, बरोबर है कि नहीं, सबको साइन करना पड़ेगा। एंड उन सबको अपने नाम के आगे ये लिखना पड़ेगा कि वो लोग कितने शेयर्स ले रहे हैं कंपनी के, ठीक है, वो लोग कितने शेयर्स ले रहे हैं कंपनी के, ठीक है। एंड उसके साथ एक विटनेस भी लगेगा, एंड उस विटनेस की डिटेल्स भी लगेगी। ध्यान से देखते हैं, ये लास्ट क्लॉज है मेमोरेंडम का, और ये कहाँ पे प्लेस होगा, एट द एंड। इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम क्या करेगा, डिक्लेरेशन दे रहा है, जो सब्सक्राइब कर रहा है मेमोरेंडम को डिक्लेरेशन दे रहा है, स्टेटिंग क्या कि भाई हमने कंपनी कंपनी को फॉर्म कर दिया है, और फॉर्म करने के लिए मेमोरेंडम बना दिया है, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, वी अग्री टू टेक सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, वी अग्री टू टेक सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। मेमोरेंडम कितने लोग साइन करेंगे, 7 लोग, हमने ऑलरेडी देख लिया 7 लोग। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग, और 1 पर्सन के केस में 1। हर सब्सक्राइबर को अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन डालना पड़ेगा, एंड उसके बाद विटनेस भी लगेगा, और विटनेस के भी डिटेल्स लगेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ वी विल स्टार्ट वॉट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम लोग ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझ लिया,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या बताता है, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर सकती है, ओके, कंपनी क्यों बनाई गई है, ओके, एंड उसका क्या क्या एक्टिविटीज़ वो अंडरटेक करती है, मतलब इन शॉर्ट कंपनी क्या कर सकती है ये बताया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। लेकिन कंपनी कैसे करेगी, मतलब जो भी काम कंपनी ने बोला है कि वो करने वाली है उसको वो कैसे करने वाली है, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब कुछ AOA के अंदर, OWA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ रहेगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, ठीक है। और ये भी हम लोग मेमोरेंडम के साथ देते हैं कब, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब हमको MOA और AOA दोनों देना होता है। कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो सबऑर्डिनेट दैट इज सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम के सेकेंडरी है, मतलब पहला तो मेमोरेंडम ही आएगा एंड उसको सपोर्ट करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगता है। मेमोरेंडम प्लस आर्टिकल दोनों मिलकर कंपनी का संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इट इज़ लाइक बाई लॉज, ये कंपनी का लॉज है, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ओके, और ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करता है। सर हम लोगों ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने का रीज़न पता है क्या है, इससे मालूम पड़ता है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, कंपनी में जो काम करते ऑफिसर्स है, उनकी पावर क्या है, उनकी ड्यूटीज़ और उनके राइट्स क्या है। और एक और चीज़ इसमें यह लिखा रहेगा कि कंपनी जो बिजनेस करने वाली है वो कौन से मैनर में करेगी, ओके, और ए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, AOA से रिलेशनशिप किसके बीच में, कंपनी और मेंबर्स एंड मेंबर्स एंड मेंबर्स, मतलब कंपनी और मेंबर्स का जो रिलेशन है वो मालूम पड़ता है AOA से, एंड प्लस मेंबर्स और मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशन है ये मालूम पड़ेगा किससे, AOA से। सो इन विच केस आपको इतना समझना है कि AOA क्या है, AOA के अंदर कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, डायरेक्टर्स का राइट्स क्या है, उनके ड्यूटीज़ क्या है, उनके पावर्स क्या है ये मालूम पड़ेगा। देन हमें मालूम पड़ेगा कि कंपनी ने जो बिज़नेस बोला है कि कौन सा बिज़नेस कंपनी करने वाली है वो कैसे करने वाली है वो AOA से मालूम पड़ेगा हमें। मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेशन इज़ वेरी सिमिलर टू MOA, उन्होंने क्या बोला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फॉर्म्ड, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड, जैसे ओरिजिनली बनाया गया है या ऑल्टर किया गया है, इन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट, ये वाला कंपनी लॉ या पहले वाला कोई कंपनी लॉ है उसके अनुसार आपने जो MOA आपने जो AOA बनाया है ओरिजिनली या फिर उसको ऑल्टर किया है उसे हम AOA मानेंगे, ठीक है। AOA भी क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग में होता है, इसके अंदर क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में अंदर कंपनी के अंदर कैसे काम होने वाला है उसके बारे में दर्शाते हैं। हर कंपनी जो मैनेज होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, हर एक कंपनी का मैनेजमेंट सेम नहीं होता है, इसीलिए कंपनीज एक्ट ने कोई स्पेसिफिक, यू कैन नॉट से, मतलब आर्टिकल्स का कोई स्पेसिफिक कॉन्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स के अंदर मेंशन रहेंगे वो कंपनीज एक्ट या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उससे ऊपर नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अबाउ द पावर ऑफ द कंपनी लेड डाउन इन द मेमोरेंडम या फिर कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर कोई और कानून, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं वो MOA के अंदर जो भी बोला गया है उसके ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। यू कैन से इट कैन नॉट बी अगेंस्ट एंड द लॉ, कंपनीज एक्ट से ज़्यादा भी ऊपर नहीं हो सकता। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो किसके रिलेटेड होंगे, पावर्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्निंग बॉडी, मतलब डायरेक्टर्स, कंपनी को जो गवर्न करता है उसकी पावर और राइट्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा। फिर आर्टिकल्स के अंदर शेयर्स कैसे इशू होंगे, उनका कॉल्स पे पैसा कैसा आएगा, फोरफीचर कैसे होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र कैसा होगा, ट्रांसमिशन कैसा होगा, मतलब सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। जब भी कोई भी कंपनी होती है वो पहले क्या करती है, शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, फिर पब्लिक क्या करती है, अप्लाई करती है शेयर्स के लिए, और फिर जो कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट करती है, मतलब कंपनी क्या करती है, पब्लिक ने जो एप्लीकेशन भेजा उसको चेक करती है, वो चेक करती है कि ये जो पर्सन है क्या इसको शेयर्स देने के लायक है कि नहीं, क्या वो 18 साल से नीचे तो नहीं, क्या ये पागल बंदा तो नहीं, क्या ये कंगाल तो नहीं। फिर ये सब चेक करने के बाद कंपनी को लगता है कि हाँ ये पर्सन योग्य है, काबिल है, तो उसको शेयर्स दे देती है। शेयर्स दे देना मतलब अलॉटमेंट, ओके। अब सपोज़ मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स बाई किए, कंपनी के शेयर्स बाई किए कितने, 100 रुपये के, एक्स लिमिटेड के शेयर्स बाई किए, मिस्टर ए हैज़ टू पे 100 रुपीज़
अगर उसने 100 रुपये का शेयर बाई किया है तो मिस्टर ए क्या करेगा, 100 रुपये देगा किसको, देगा एक्स लिमिटेड को। लेकिन ये जो एक्स लिमिटेड है ना, ये पूरा 100 रुपया एक साथ में नहीं मांगती है कंपनी, कभी भी पूरा 100 रुपया एक साथ में नहीं मांगेगी। क्या होगा, कंपनी पहले 15 रुपये मांगेगी एप्लीकेशन का, फिर वो 45 रुपीज़ मांगेगी। ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ ये मैंने मेरे मन से ली है, कोई लॉ नहीं है। 100 रुपये में से कंपनी पहले 15 रुपये मांगेगी एप्लीकेशन के वक्त पे, फिर 45 मांगेगी अलॉटमेंट के वक्त पे, फिर 20 मांगेगी फर्स्ट कॉल के टाइम पे, और 20 मांगेगी फाइनल कॉल के टाइम पे। मतलब इस तरीके से यू हैव टू पे टू द कंपनी, यू हैव टू नॉट पे 100 रुपीज़ एंटायर एट वन टाइम। ओके, अब क्या होता है, सपोज़ इसमें से क्या हुआ, अगर मैंने ये पैसा दे दिया और ये पैसा मिस्टर ए ने ये पैसा दे दिया, लेकिन जब कंपनी ने 20 रुपया मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, ठीक है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा तो उसने नहीं दिया, कंपनी को पैसा नहीं दिया, कंपनी ने बहुत बार मांगा, कंपनी ने नोटिस भेजा कि भाई मुझे मेरा जो 20 रुपया वो दो, तो ए ने नहीं दिया, ए ने फिर भी नहीं दिया, तो ए ने कितना पैसा दिया था कंपनी को, 15 तो दे दिया, 45 दे दिया, माने कि 60 रुपीज़ दे दिए, बराबर है। अब कंपनी इस 60 रुपीज़ के बदले में क्या करेगा, कंपनी इस 60 के बदले में इसके शेयर्स कैंसिल कर देगा, उसके कहते हैं फॉरफीचर। कैंसलेशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है फॉरफीचर, कंपनी उसके शेयर्स ले लेगी, छीन लेगी और बोलेगी अब तू जा, और 60 रुपये भी जेब में रख देगी, इसे कहते हैं फॉरफीचर। तो ये फॉरफीचर का जो रूल है वो भी AOA के अंदर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वेट अ मिनट, आई जस्ट टेक बैक टू द टॉपिक। ओके, तो सब AOA के देखो, फॉरफीचर ये वर्ड दिख रहा है, फॉरफीचर। ओके, अब ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, शेयर्स बेचना। अभी मैंने शेयर्स लिए कोई कंपनी के, अगर मुझे वो शेयर्स बेचने हैं मेरी इच्छा से तो उसे कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास शेयर्स थे कंपनी के, अब मैं चला गया मतलब अलविदा कह दिया मैंने इस दुनिया को, ठीक है। अब वो जो शेयर्स है वो शेयर्स किसको मिलेंगे, मेरे बाल बच्चों को या मेरी बीवी को मिलेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं लीगल हेयर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब शेयर्स मेरे थे बट वो मेरे बाल बच्चों को मिले या फिर मेरे परिवार वालों को मिले, ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये ट्रांसफ़र मेरी इच्छा से नहीं हुआ है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है, ठीक है। तो उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसफ़र मतलब मेरे इच्छा से मैंने शेयर्स किसी और को दिए, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि भाई मेरी इच्छा नहीं थी बट बिकॉज ऑफ सर्टन इवेंट नाउ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के वजह से मेरे शेयर्स किसी और के हाथ में जा रहे हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड्स, जैसे ही MOA के फॉर्मेट दिए गए हैं वैसे ही AOA के फॉर्मेट भी दिए गए हैं, टेबल FGHIJ, 5 यहाँ पे 5 वहाँ पे भी है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अलग अलग कंपनी के अलग अलग फॉर्मेट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, दैट इज व्हाट, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या कंटेंट है, देखो बाबा, कंपनी जो है वो मॉडल मतलब अपना जो भी ढांचा है वो उठा सकती है कहाँ से, जैसे कंपनीज एक्ट में दिया गया है, कंपनीज एक्ट में जो दिया गया रहेगा वैसा वो उठा सकती है। कंपनीज एक्ट के अंदर जो मॉडल दिए गए हैं दे कैन अडॉप्ट दैट मॉडल, ओके, एंड उसमें वो एडिशन भी कर सकती है अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो। बट अभी क्या बोला गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, कंपनी का शेयर कैपिटल के बारे में होगा, कितने शेयर्स है, उनकी वैल्यू क्या है, उनका डिवीजन इनटू डिफरेंट टाइप्स, मतलब कौन से टाइप के शेयर्स है, ये सब आपको AOA के अंदर देखने मिलेगा। फिर राइट्स किसके, हर शेयर होल्डर के राइट्स आपको मालूम पड़ेंगे AOA के अंदर, के कौन से राइट्स मिलते हैं। और वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस कैसे करना है, अगर राइट्स में चेंजेस लाने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, यही आपको AOA के अंदर दिखेगा। फिर प्रोसीजर रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर क्या है, जब कंपनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है उसके बाद अलॉटमेंट करेगी, दैट इज शेयर्स देना, तो उसका प्रोसीजर क्या है, कॉल का प्रोसीजर क्या है, फॉरफीचर का प्रोसीजर क्या है। फिर रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र, अगर किसी को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं या ट्रांसमिशन हो रहा है तो इन दैट केस क्या प्रोसीजर होगा, वो भी AOA के अंदर दिया हुआ रहेगा। लीन का मतलब होता है कब्जा, अगर मैंने आपसे पैसे लिए उधार पे और मैंने बोला कि सिक्योरिटी के तौर पे आप मेरी गाड़ी रखिए, ठीक है, अब मैं अगर आपके पैसे रिटर्न नहीं दे रहा हूँ तो आप मेरी कार पे क्या करोगे, कब्जा कर लोगे। वैसे ही कंपनियाँ करती है, अगर सपोज़ किसी पर्सन ने शेयर्स के पैसे नहीं दिए तो फॉरफीचर करने के बदले वो उनके शेयर्स पे कब्जा कर देती है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, उसको बोलते हैं लीन। इंक्रीज डिक्रीज ऑल्ट्रेशन करना है किसमें, शेयर कैपिटल में, तो उसके बारे में भी आपको AOA के अंदर देखना मिलेगा।
डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, उनका रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, उनके पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, ये भी आपको देखने मिलेगी कहाँ पे, AOA के अंदर। अगर आपको शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है, इसका प्रोसीजर भी आपको AOA के अंदर देखने मिलेगा। फिर जो बोर्ड कमिटी है, जो जनरल मीटिंग होती है, देखो जो भी बोर्ड की मीटिंग होती है, कमिटी की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, उन सब का जो भी प्रोविजन है, दैट इज रूल्स, ओके, वो सब आपको AOA के अंदर देखने मिलेंगे। देखो गाइस, ये सब हम लोग डिटेल में जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, 5th chapter, 6th chapter, 7th chapter, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में आगे डिस्कशन आने वाला है। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, मतलब कंपनी का जो अकाउंट्स होता है, हिसाब किताब, वो कैसे होने वाला है, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना है, डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करना है, ये सब के बारे में भी आपको AOA में दिखेगा। कंपनी कितना पैसा बोरो कर सकती है और कहाँ से करेगी, मोड, मतलब कहाँ से, ठीक है, उसके बारे में भी AOA में लिखा रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना कि सर्टिफिकेट जो इशू करना है, शेयर सर्टिफिकेट जो इशू करना है, या फिर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का जो प्रोसीजर है, वो भी आपको AOA के अंदर दिखने मिलेगा। फिर अलग अलग कमेटियाँ होती है कंपनी में अलग अलग काम करने के लिए, जैसे कि ऑडिट कमेटी ऑडिट करती है, रेम्यूनरेशन कमेटी क्या करती है, रेम्यूनरेशन के बारे में देखती है, डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन जाकर करके, और CSR मतलब क्या कि भाई हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है, ठीक है, झाड़ पौधे लगाना या फिर स्कूल्स बनाना वगैरह वगैरह, ये सब काम के लिए भाई, ये सब काम के बारे में भी आपको AOA के अंदर देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट अपना क्या आता है टॉपिक कि भाई हाँ, कंपनी अगर बंद होती है तो उसका प्रोविजन क्या है, ये भी आपको AOA के अंदर दिखने मिलेगा। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मांडवली, सेटलमेंट, सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी आपको AOA के अंदर दिखने मिलेगा। और इंडेमनिटी का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, अगर कुछ लॉस वगैरह होता है तो इन दैट केस इंडेमनिटी के बारे में भी आपको AOA के अंदर देखने मिलेगा। अभी एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 रेस्ट्रिक्शन कंपलसरी होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 रेस्ट्रिक्शन कंपलसरी होनी चाहिए। सबसे पहला तो क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड कितना, मैक्सिमम 200। फिर ट्रांसफ़र का राइट रेस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर यू कैन नॉट ईजिली ट्रांसफ़र द शेयर्स। और थर्ड, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज़ बाय करने के लिए इनवाइट करना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज़ के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। ये 3 रेस्ट्रिक्शंस होंगे प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नंबर ऑफ मेंबर्स कितना, मैक्सिमम 200। ट्रांसफ़र का रेस्ट्रिक्शन रहेगा, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। और तीसरा पॉइंट क्या बोला है, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी। एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो ऑल्टर नहीं होंगे, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय ओनली SR, मतलब सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप उसको ऑल्टर नहीं कर पाओगे। तो सर मतलब क्या, मतलब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से ज़्यादा लगेगा अगर उसे ऑल्टर करना है तो। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर सपोज कंपनी का नाम बदलना है, तो उन्होंने क्या बोला है कि 9/10 ऑफ द मेजोरिटी लगेगा। कितना, 9/10 ऑफ द मेजोरिटी। 9/10 ऑफ द मेजोरिटी का मतलब क्या होता है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। और एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल ये क्यों बनाया गया है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास कम शेयर्स है, लाइक 1% शेयर्स है कंपनी का या 2% शेयर है कंपनी का। अब क्या बोला गया है कि ये प्रोविजन क्या बोला गया है कि कैन नॉट बी ऑल्टर्ड ओनली बाय SR, सिर्फ SR, स्पेशल रेजोल्यूशन से ये ऑल्टर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब ये रूल को चेंज करना है तो क्या बोला गया हमें, और बहुत इलाबरेट प्रोसीजर लगेगा। फॉर एग्जांपल 9/10 ऑफ द मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 90% अप्रूवल लगेगा, मोर देन 90% का अप्रूवल लगेगा तो ही वो प्रोविजन चेंज होगा। सर ऐसा क्यों, इतना स्ट्रिक्ट क्यों किया है, 90% लोग अप्रूव करेंगे तो ही प्रोविजन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि बेटा अगर सपोज ग्रुप में अगर शेयर होल्डर का ग्रुप बन गया और सपोज 80% जो शेयर होल्डर है वो सब हमेशा एक ही डिसीजन लेते हैं, 20% जो शेयर होल्डर है वो लोग अलग डिसीजन लेते हैं, तो हमेशा क्या होगा, SR पास करना होगा तो 80% वाले लोग तो हमेशा SR पास कर लेंगे क्योंकि वो लोग तो एक ही टीम में होते हैं। 80% इज़ मोर देन 75, तो फिर प्रोविजन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोविजन है इसको चेंज करने के लिए कितना बोला गया, 90%। तो जो माइनॉरिटी है, जिसके पास कम शेयर होल्डिंग है, डेट इज़ 20% ही है, तो वो लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, उनका जो अधिकार है वो यहाँ पे यू कैन उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अभी और जो पॉइंट क्या बचा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोला गया है,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सी बात है, स्पेशल रीजन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ऑल्टर होने के बाद, इट विल बी, मतलब जो ऑल्टर्ड रहेगा, जो नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है चेंज होने के बाद वाला, वो सब मेंबर्स पे अप्लाई करेगा जैसे ओरिजिनल करता था। सर ऑल्टरेशन क्या हो रहा है, मतलब देखो नया कोई रूल अप्लाई किया, न्यू अप्लाई किया, या फिर हम लोगों ने कोई पुराना रूल को डिलीट कर दिया, या फिर हमने क्या किया, एक नया आर्टिकल सेम लेकिन उसमें कुछ एडिशन कर दिया, या फिर यू कैन से हम लोगों ने वर्ड का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब पहले कुछ और वर्ड था अभी कुछ नया वर्ड लगा दिया वहाँ पे, या फिर हमने पूरा आर्टिकल को अमेंड कर दिया, पूरा चेंज कर दिया, तो उसे ऑल्टरेशन कहेंगे। ऑल्टरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि हम लोग एक स्टेटमेंट के अंदर कुछ तो ऐड कर रहे हैं, या फिर कुछ तो रिमूव कर रहे हैं, या तो फिर पूरा चेंज कर रहे हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसे ऑल्टरेशन कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये लास्ट टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है कि भाई MOA क्या बोलता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मतलब हर पर्सन को जो कंपनी के साथ काम करता है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द MOA, दैट इज ट्रू, उसके पास MOA का नॉलेज होना चाहिए। अब कंपनी के अंदर सपोज इंटरनल मैनेजमेंट में, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे बाहर के लोगों को क्या लेना देना, मतलब कंपनी में अगर सपोज क्या बोला गया यहाँ पे ध्यान देना, इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सर्टन इन्फॉर्मेशन विच इज़ इंटरनल टू द कंपनी कैन नॉट बी नोन टू द आउटसाइडर। कंपनी के अंदर क्या है वो बाहर वाले को कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। हैंस दे एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द इन्फॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब MOA के अंदर जो लिखा हुआ है और AOA के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग काम करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कंपनी के साथ, कोई भी पर्सन अगर कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो ही शुड नॉट इंक्वायर, उसने वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी के अंदर के जो रूल्स थे क्या वो प्रॉपरली फॉलो हुए या नहीं हुए, इट इज़ अज्यूम्ड कि वो प्रॉपरली फॉलो हुए होंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स व्हेन दे एक्ट बेस्ड ऑन द MOA एंड AOA, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है क्या कि जो आउटसाइडर्स हैं अगर वो उन्होंने MOA और AOA के अनुसार काम किया है तो कंपनी के अंदर अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे अगर वो प्रॉपरली भी फॉलो नहीं होते हैं तो उससे बाहर वालों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट जो मेंबर्स हैं या जो आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स वगैरह हैं, दे आर नॉट बाउंड, उन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो इंक्वायरी करने जाएं कि भाई आपके कंपनी के अंदर के जो रूल्स हैं क्या वो फॉलो हुए या नहीं हुए, ओके। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है क्या वो ऑब्जेक्ट के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ओके, एकदम क्लियर है। अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है कि कंपनी अपने दायरे के बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, ओके, अगर करती है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है इंडोर मैनेजमेंट में कि कंपनी के अंदर जो भी कानून है, अंदर के जो भी कानून है, इंटरनल मैनेजमेंट जो है कंपनी का, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये फॉलो हुए या नहीं फॉलो हुए हैं ये कोई भी आउटसाइडर जाके इंक्वायरी नहीं करते बैठेगा, वो अज्यूम करेगा कि वो तो फॉलो हुए ही है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो यर वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ओके। सो नाउ अपना सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को समझने के लिए मैं तुम लोग को मस्त एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग को होपफुली कनेक्ट होगा ये एग्जाम्पल। जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग जब 10th पास किए तो आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन के लिए गए रहेंगे, तब आप कॉलेज में जब एडमिशन के लिए गए थे, आई नो ये टाइम ऑनलाइन था, क्या होता है जनरली क्या होता है जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो आपको कॉलेज से एक क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, दैट इज़ प्रोस्पेक्टस, और उसके साथ आपको कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टस के अंदर ही कॉलेज के आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एडमिशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं है, बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट है अबाउट द कॉलेज कि भाई हमारे कॉलेज के अंदर क्या क्या, हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, हमारे कॉलेज के टीचर्स कितने एक्सपीरियंस्ड है, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है, हमारे कॉलेज में ग्राउंड है, वगैरह वगैरह। सो ये क्या करता है, प्रोस्पेक्टस क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है या बैकग्राउंड देता है अबाउट द कॉलेज। वैसे एक कंपनी जो होती है, कंपनियाँ करती है, सपोज कंपनी ने बिजनेस करेगी, कौन सा, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का,
अब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या लगेगा कंपनी को, कंपनी को लगेंगे पैसे, क्या लगेंगे पैसे लगेंगे, लेबर लगेगा, आई वुड से देखो कंपनी को पहले तो लेबर लगेगा, लैंड लगेगा, ठीक है, देन कंपनी को यू कैन से रिसोर्सेज लगेंगे और मटेरियल वगैरह लगेगा, तो ठीक है उसके इन सब के लिए बेसिकली कंपनी को चाहिए पैसा, पैसे के लिए कंपनी किसके पास जाएगा, जनरल पब्लिक के पास, हाँ कि ना, यस कंपनी जाएगा जनरल पब्लिक के पास। अब जनरल पब्लिक जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नो डाउट, बट इन्वेस्ट करने के लिए उनको उनके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए अबाउट द कंपनी, ठीक है, दे शुड हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। इसीलिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। जब भी एक कंपनी शेयर इशू करती है, जब भी एक कंपनी, कौन सी कंपनी, शेयर कैपिटल वाली कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी जो होती है वो क्या करती है, पब्लिक को शेयर इशू करेगी, ठीक है, तो तभी उसको पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द कंपनी, एंड वो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो इन्विटेशन होता है किसको, जनरल पब्लिक को, कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो, आओ हमारे शेयर्स खरीदो। कौन कर रहा है ये इन्विटेशन, पब्लिक कंपनी कर रही है, ठीक है, किसको कर रही है, जनरल पब्लिक को, कि आप आके हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी का इतिहास होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है, कि हमारे कंपनी ने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं और क्या करने वाली है फ्यूचर में। अब मूविंग ऑन टू द टॉपिक इन द टेक्स्ट बुक राइट नाउ, क्या बोला गया है, जब एक पब्लिक कंपनी क्या करती है, कैपिटल कलेक्ट करती है, कैपिटल इकट्ठा करती है, पैसा जमा कर रही है, कैसे करेगी, शेयर इशू करके, शेयर किसको इशू कर रही है, पब्लिक को, तो वो क्या करेगी, इट हैज़ टू इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो एक पब्लिक कंपनी इशू करती है जब वो शेयर इशू करती है पैसा इकट्ठा करने के लिए। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और वो इनवाइट करता है, प्रोस्पेक्टस क्या करता है, एक इनविटेशन है किसको, कि भाई आके हमारे सिक्योरिटीज़ को बाय करो, पब्लिक को बोल रहे हैं कि आके हमारे सिक्योरिटीज़ को बाय करो। जैसे हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम लोग एक पैम्पलेट वगैरह कुछ भी देते हैं, पैम्पलेट देते हैं या अपना यू कैन से अपना एक अपन रेट्स वगैरह बताते हैं कि मेरे बिजनेस में ये रेट है, ये चीज़ इतने की मिलेगी, तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे बिजनेस में आके हमारे बिजनेस से प्रोडक्ट लीजिए वगैरह। तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस अपने को बिजनेस के बारे में बताता है। अब सेक्शन टू सबसेक्शन 70 क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो डिस्क्राइब किया गया है या फिर इशू किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस। हमने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया या डिस्क्राइब किया एज ए प्रोस्पेक्टस, एंड उसके अंदर क्या क्या आता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, फिर एनी नोटिस या सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट या अदर डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करता है, मतलब देखो कोई भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, कोई भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी सर्कुलर या कोई भी नोटिस जो क्या कर रहा है, पब्लिक को इनवाइट कर रहा है शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलो या सिक्योरिटीज़ बोलो, सिक्योरिटीज़ के अंदर सब कुछ आ जाते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सब कुछ, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टस कहेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर सब कंपनी की करेक्ट, ट्रू एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रू एंड फैक्चुअल, मतलब आप प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ भी झूठा फेंका फाकी नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट लाई इन द प्रोस्पेक्टस, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो यू कैन नॉट फूल देम, मिसलीड मत करना, पेनल्टी है, आगे आएगा। अब कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, देखो बेटा कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस है, पांच, अब्रिज, शेल्फ, रेड हेरिंग, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर। अब्रिज प्रोस्पेक्टस जो होता है वो बहुत शॉर्ट प्रोस्पेक्टस होता है, छोटा प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर कंपनी की टोटल सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर कंपनी की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आती है, ब्रीफ मतलब समरी, ठीक है, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आती है। अब्रिज प्रोस्पेक्टस के साथ आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, ओके, इट इज़ अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय द कंपनी। अब्रिज प्रोस्पेक्टस कभी इशू होता है, कभी इशू होगा ओनली जब कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है, पब्लिक ऑफर मतलब क्या, पब्लिक को बोल रही है हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो, ठीक है। सो अब्रिज प्रोस्पेक्टस को अगर आपको याद रखना है तो इट इज़ शॉर्ट प्रोस्पेक्टस, छोटा प्रोस्पेक्टस है वो, ओके, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो होती है ब्रीफ में होती है, समरी में होती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कंपनी जो होती है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, अमाउंट इट कैन रेज फ्रॉम पब्लिक, टोटल अमाउंट जितना वो पब्लिक से ले सकती है अपने जीवन के दौरान पे, मतलब कंपनी के लाइफ टाइम में कंपनी कितना बोल रही है, कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल रखा है 20 लाख का, 20 लाख रुपीज़,
अब कंपनी पूरा 20 लाख का बिस्तर एक साथ तो नहीं मांगेगी लोगों से। कंपनी पहले टाइम पे कितना मांग रही है? 5 लाख, उसे हम क्या कहेंगे? आईपीओ। जब कंपनी पहले टाइम लोगों को शेयर इशू करती है और पैसे लेती है, उसे आईपीओ कहते हैं। कंपनी ने पहले टाइम बोला 5 लाख मांगूंगी, सेकेंड टाइम बोल रहे हैं कि 3 लाख मांगूंगा मैं, लेकिन विद इन 3 मंथ्स। कंपनी क्या बोल रही है? पहला जो मैं है 5 लाख मांगूंगी, फिर उसके बाद विद इन 3 मंथ्स मैं 3 लाख मांगने वाली हूँ, और फिर थर्ड टाइम जो बोला गया है विद इन 9 मंथ्स 7 लाख मांगने वाली हूँ लोगों के पास से, और फिर फोर्थ क्या बोला गया है कि 5 लाख मांगूंगा लेकिन आफ्टर वन ईयर। आप कुछ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे? 20 लाख टोटल अमाउंट कंपनी लोगों से ले सकती है, ठीक है। पहले टाइम कंपनी जब लोगों से पैसा लेगी 5 लाख रुपया, तब वो एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस, मतलब आप नोटिस कर रहे हो कंपनी बहुत बार लोगों से पैसे मांगने वाली है। तो जितनी बार भी लोगों को शेयर इशू करके पैसा मांगने वाली है तो हर टाइम प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट ने एक क्या दिया, एक तरीका दिया। कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप एक काम करो, जब आप फर्स्ट टाइम लोगों से लेने वाले हो पैसा, दैट इज़ आईपीओ करने वाले हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर कितना 5 लाख का करने वाले हो, ठीक है, तो आप तभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करो। कौन सा प्रोस्पेक्टस? शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करो। उसके बाद अगर आप विद इन वन ईयर, देखो विद इन थ्री मंथ्स और विद इन नाइन मंथ्स, दैट इज विद इन वन ईयर आप कभी भी शेयर इशू करते हो, लोगों से पैसा लेते हो शेयर इशू करके, तो आप वापस से प्रोस्पेक्टस मत इशू करो। आप क्या इशू करोगे? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर विद इन वन ईयर, देखो आपने जब फर्स्ट टाइम इशू किया शेयर, उसके बाद विद इन वन ईयर में कंपनी में कितने चेंजेस आएंगे, ज़्यादा तो नहीं आएंगे, एक साल के अंदर में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट जो भी चेंजेस आते हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर कंपनी विद इन वन ईयर अगर मल्टीपल टाइम्स कंपनी अगर लोगों से पैसा लेने वाली है शेयर इशू करके, तो कंपनी ने क्या करना चाहिए? सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करो। उसके बाद जब भी अगर कंपनी शेयर इशू करके पैसा लेने वाली है तो वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देगी। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, विद इन वन ईयर का पॉइंट है यहाँ पे। सर अगर एक साल के बाद किया तो आपको वापस से एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको रीडिंग करके समझाता हूँ पूरा टॉपिक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। पब्लिक कंपनी में रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग क्या बोला गया? सिक्योरिटीज एज एंड व्हेन इट नीड्स मोर फंड्स, मतलब जब भी उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो और सिक्योरिटी इशू करेगी। फॉर एवरी सच इशू फ्रेश प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, मतलब जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस बनाना और उसको ROC के पास रजिस्टर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दस इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रेश प्रोस्पेक्टस, घड़ी घड़ी नया बनाने से अच्छा क्या करो, एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाओ। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी यूज फॉर ऑल द इशूज मेड बाय द कंपनी अप टू वन ईयर, मतलब अगर कंपनी ने आज फर्स्ट टाइम इशू किया है, उसके बाद विद इन वन ईयर के अंदर जितनी बार भी अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा। किसको? ROC को। एवरी टाइम सब्सिक्वेंट किया, मतलब जब भी दूसरी बार कंपनी शेयर इशू करती है, मतलब देखो विद इन वन ईयर के अंदर कंपनी ने अगर वापस शेयर इशू किए तो उसको ROC को सिर्फ एक क्या देना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, और उसके अंदर मटेरियल फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, या फिर कोई नया चार्जेस मतलब कोई नया सिक्योरिटी अगर आता है तो कंपनी को वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। इन विच केस सेल्फ प्रोस्पेक्टस, इतना ही था सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर। आपको यही बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो, आप बार बार नया प्रोस्पेक्टस इशू करने के बदले सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देने का, ओके? अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को समझने के लिए मैं आपको वापस से नोट्स पे लेके आता हूँ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। उसके अंदर या फिर शेयर के प्राइस के बारे में नहीं लिखा रहेगा, या फिर उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मेंशन किया रहेगा। कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो नहीं लिखा रहेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर, या फिर कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी ये नहीं लिखा रहेगा। सर ऐसा क्यों? मतलब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। कंपनी क्या होती है, कंपनी जब स्टार्ट करती है तब उसको आइडिया नहीं होता है कि उसका शेयर का प्राइस ना होगा, इसीलिए क्या करती है, वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो करती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, कंपनी जो है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर वो क्या करेगी, एक प्राइस बैंड देगी। क्या देगी? प्राइस बैंड 500 से 600 के बीच में। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 500 से 600 के बीच में। 500 को बोलते हैं फ्लोर प्राइस और 600 को बोलते हैं कैप प्राइस। अब इन्वेस्टर जो होगा वो बिड करेगा, मतलब ऑक्शन होता है ना, बिडिंग करेगा, और वो क्या करेगा, बिड करेगा विद इन दिस प्राइस, 500 से 600 के बीच में वो बिडिंग करेगा, और जो एवरेज रहेगा वो फाइनल प्राइस रहेगा।
फिर ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो ROC को हम देते हैं, ठीक है, और कब देंगे, 3 days प्रायर टू द ओपनिंग डेट, मतलब जब भी इशू स्टार्ट होने वाला रहेगा, जब भी कंपनी शेयर इशू करने वाली है, जिस दिन से स्टार्ट होगा उसके 3 दिन पहले ROC को देना पड़ेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सो इन सिंपल वर्ड, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब होता है, जब कंपनी IPO लेके आती है, जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, क्योंकि तब कंपनी को अपने शेयर के प्राइस की वैल्यू का अंदाजा नहीं होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब आता है लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर कब इशू करती है, जब कंपनी राइट शेयर इशू करती है। क्या इशू करती है, राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर जो होता है वो कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, जो कंपनी का ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको कंपनी क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। वो भी क्या दे रही है, शेयर्स कैसे दे रही है, ऑन द बेसिस ऑफ उसका एग्जिस्टिंग होल्डिंग, उसने कंपनी में ऑलरेडी कितने शेयर्स लिए रखे हैं उसके बेसिस पे उसको राइट शेयर्स मिलते हैं, और उसका प्राइस जो होता है वो लेस देन मार्केट वैल्यू होता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझेगा आपको, अगर मिस्टर ए का 125 शेयर्स हैं ऑलरेडी किसका, एक्स लिमिटेड में, मिस्टर ए ने ऑलरेडी 125 शेयर्स लेके रखे हैं एक्स लिमिटेड में एट द रेट ₹800, 800 रुपये में उसने 125 शेयर्स ऑलरेडी ले रखे हैं। अब एक्स लिमिटेड क्या बोलता है कि तुम मेरा इतने सालों से शेयर होल्डर है तो मैं तुझे एक राइट शेयर दूंगा फॉर एवरी 5 शेयर होल्ड। अगर तेरे पास मेरे कंपनी के 5 शेयर है तो मैं तुझे एक राइट शेयर दूंगा, वो भी कितने में, 500 में, मार्केट प्राइस 800 है लेकिन मैं तुझे 500 में दूंगा। अगर मैंने ऑलरेडी 125 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मुझे 25 शेयर्स क्या मिलेंगे, राइट शेयर्स मिलेंगे, 25 शेयर्स मुझे राइट शेयर्स मिलेंगे एट द रेट 500। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, तूने मेरे कंपनी में ऑलरेडी शेयर्स लेके रखे हैं इस वजह से मैं तुझे एक अधिकार दे रहा हूँ कुछ शेयर्स और लेने का एट लेस रेट इन द मार्केट, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कंपनी राइट इशू लेके आती है, जब भी कंपनी राइट इशू लेके आती है मार्केट में, तब कंपनी को प्रोस्पेक्टस के तरीके में एक लेटर ऑफ ऑफर इशू करना पड़ता है। उसके अंदर कंपनी का, उसके अंदर राइट शेयर्स का पूरे ऑफर का डिटेल होता है। ऑफर लेटर, ऑफर लेटर क्या होता है, जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर नहीं इशू कर रही है, जनरल पब्लिक को नहीं इशू करती है, किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को इशू करती है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने डायरेक्टर्स को इशू कर रही है शेयर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। इन दैट केस कंपनी को ऑफर लेटर इशू करना पड़ता है। क्या इशू करना पड़ता है, ऑफर लेटर। अब हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, रिपोर्ट्स होती है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, नेम ऑफ द कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका नेचर क्या है, कितना सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंकर का डिटेल्स, मर्चेंट बैंकर क्या होता है, जो कंपनी का इशू है, शेयर जो इशू कर रही कंपनी उसको पूरा लीड करता है, वो पर्सन गाइड करता है उसको। रजिस्टर्ड टू द इशू, इस कंपनी ने जो शेयर इशू कर रही है उसका रजिस्ट्रार कौन है, मतलब कौन एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करेगा, ओके, पैसा कौन कलेक्ट करेगा कंपनी के बिहाफ पे। फिर कंपनी कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ये सब कुछ आपको प्रोस्पेक्टस में जानने मिलेगा। इन विच केस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन क्या देगा कि कंपनी ने सारे के सारे प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ फॉलो किया है, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट में, मतलब सेबी एक्ट बोलो, सेकरा एक्ट बोलो, सेकरा मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कोई भी एक्ट को वॉयलेट नहीं किया है, किसी भी कानून को तोड़ा नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे क्या बेटा, लास्ट बहुत इजी टॉपिक है, अभी तो खत्म होने आया। कंटेंट्स के अंदर स्टेटमेंट रहेगा ऑफ एक्सपर्ट, स्टेटमेंट रहेगा किसका, एक्सपर्ट का। उसमें क्या बोला गया है, प्रोस्पेक्टस के अंदर स्टेटमेंट रहेगा किसका, CS का, CA का, या फिर इंजीनियर का, वैल्यूअर का, कॉस्ट अकाउंटेंट का, कि भाई उन्होंने जो भी कंपनी ने जो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सब मैटर्स को इन्होंने गो थ्रू किया है। CA, CS जो भी हो, दे हैव गॉन थ्रू इट, एंड वो लोग एक रिटर्न कंसेंट देंगे व्हेन द प्रोस्पेक्टस इज इशूड। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, प्रोस्पेक्टस के अंदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि सबसे पहले जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस रहेगा वो पब्लिक को देना पड़ेगा। जो भी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होता है, ड्राफ्ट मतलब रफ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो सेबी को देते हैं। सेबी को देने के वक्त हमें इट शुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू पब्लिक एंड टू द स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवा रही है। फिर इट शुड बी साइन बाय द डायरेक्टर्स, जो भी प्रोस्पेक्टस है वो सारे डायरेक्टर्स साइन करने चाहिए जिनको अथॉरिटी है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को देने के पहले प्रोस्पेक्टस शुड बी गिवन टू द ROC, इट शुड बी गिवन टू द ROC। फिर डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस पर जो डेट मेंशन रहेगी ना, उस डेट को हम क्या मानेंगे कि भाई उस डेट पे प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया गया था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इशूइंग द प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक,
जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी को दिया उस दिन से लेकर 90 डेज के अंदर वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक के पास पहुंच जाना चाहिए। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस किसको दिया, आरओसी को दिया, उसके उस डेट से लेकर 90 डेज के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस किसके पास जाना चाहिए, पब्लिक के पास। सर 90 डेज के अंदर अंदर अगर पब्लिक को नहीं इशू किया प्रोस्पेक्टस तो आपको वापस से फ्रेश प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर नॉन कम्प्लायंस, अगर आप कानून के खिलाफ गए, अगर आप कंपनीज एक्ट के खिलाफ जाते हो, आप कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हो, कॉन्ट्रावेंट करते हो, तो कंपनी को भी पेनल्टी है और ऑफिसर को भी पेनल्टी है, जो जो लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पेनल्टी है। कंपनी को पेनल्टी कितना है, 50,000 से लेकर 3,00,000 तक। कितना? 50,000 से लेकर 3,00,000 तक, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 3,00,000। और जो जो लोग इन्वॉल्व थे, जो जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर, उन लोगों को क्या बोला गया है, उनको जेल यात्रा, जेल यात्रा मतलब उनको इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल हो सकती है कितने साल की, 3 साल की, और उनको फाइन लग सकता है 50,000 से लेकर 3,00,000 के बीच में। वापस से रिपीट करता हूँ, कंपनी जो है, कंपनी को कितना फाइन है, 50,000 से लेकर 3,00,000 तक का फाइन है, और जो पर्सन इन्वॉल्व है उनको जेल यात्रा है कितनी, मैक्सिमम 3 साल की, 3 साल की मैक्सिमम उनको जेल का पनिशमेंट मिलेगा, या फिर उनको फाइन लगेगा 50,000 से लेकर 3,00,000 तक का, या फिर दोनों लगेगा। कंपनी को तो ऑब्वियसली जेल नहीं होगी, उनको सिर्फ फाइन है। फिर अगर आप प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट करते हो, मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ भी चीज़ है जो आपने मिसलीड कर रहा है, आपने सच नहीं कुछ भी झूठा चीज़ लिख दिया प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो इन दैट केस जो भी इन्वेस्टर है जिसने प्रोस्पेक्टस के अंदर जो लिखा गया है उसके आधार पे कंपनी के शेयर्स लिए हैं, वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, कैन गो टू द कोर्ट। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपनी एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस विल हैव टू फेस द फॉलोइंग लायबिलिटी। मतलब जिस पर्सन ने, कंपनी एंड जो भी पर्सन इन्वॉल्व था जिसने मिस स्टेटमेंट किया है, उनको ये लायबिलिटी है। क्या है? सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी मतलब क्या, जिस पर्सन का नुकसान हुआ है उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा फॉर द लॉस। मतलब मैं अगर इन्वेस्टर हूँ और मैंने प्रोस्पेक्टस के आधार पर कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और वो जो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो बातें लिखी गई थी वो मिसलीडिंग थी, मिस स्टेटमेंट था, मतलब रॉन्ग था, सच नहीं था, गलत था, तो मुझे मेरा पैसा कंपेंसेट, मुझे लॉस हुआ है वो कंपेंसेट करके देना पड़ेगा। एंड दूसरा, क्रिमिनल लायबिलिटी, कंपनी या फिर ऑफिसर्स, कंपनी या फिर ऑफिसर बोलो, उनको फाइन लगेगा या जेल होगी या फिर दोनों। कंपनी को ऑब्वियसली, कंपनी को जेल नहीं होती है, जो पर्सन इन्वॉल्व है उनको क्या होगा, उनको फाइन, जेल या फिर दोनों, कंपनी को सिर्फ फाइन। ओके, सो ये था अपना प्रोस्पेक्टस का पूरा टॉपिक। दिस चैप्टर गेट्स टोटली कंप्लीट ओवर हियर। आई होप आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझा रहेगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें प्लीज़ पूछिए आपके डाउट्स, आपके डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स। Till then, thank you.